लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube स्टडी चैनल में। सुबह उठने में जोर आता है, पढ़ते टाइम नींद आती है, इतनी ठंड में मुझसे उड़कर नहीं पढ़ा जाता यार। कल से पक्का सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। तभी पूछा है अपनी माँ से कि वो सुबह बिना किसी के जगाए 4 बजे क्यों और कैसे उठ जाती है। कभी पूछा है अपने पापा को नाइट शिफ्ट से आने के बाद कि पापा कहीं रात को ठंड तो नहीं लगी आपको। कभी पूछा है अपनी माँ से कि कितनी बार रसोई की जल्दीबाजी में उनकी उंगलियां जली है, ये सोचकर कि कहीं खाना लेट हो गया तो बस स्टैंड पर अगली बस का वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा सो लो, शायद एग्जाम की टेंशन कम हो जाए। तुम टेंशन से बचने के लिए सोते हो और तुम्हारे पापा तुम्हारी ही फ्यूचर की टेंशन दूर करने के लिए जागते हैं। तुम किताब सामने रखकर ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें सामने बैठा देखकर अगली साल की स्कूल डिसाइड करने की टेंशन में रहती है। तुम्हारे दिमाग में वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग चल रही होती है, वहीं तुम्हारे पापा के दिमाग में अगले मंथ की फीस की टेंशन चल रही होती है। अगली बार जब तुम्हारे पापा अपने जेब से तुम्हारी ट्यूशन फीस निकाल कर देना, तब पूछना कि उनके जेब में उनके खर्चे के लिए तो पैसे बच रहे हैं ना। किताब सामने होती है लेकिन तुम फ्यूचर और पास्ट की दुनिया में ही खोए रहते हो, क्योंकि तुम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें हर कोई पढ़ने के लिए बोलता है, और बार बार पढ़ने के लिए सुनकर तुम बस पढ़ते जाते हो बिना ये सोचे कि तुम्हें आखिर पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना है तुम्हें। कभी सोचा ही नहीं है तुमने इस बात का जवाब छोड़ो क्वेश्चन भी नहीं आया होगा आपके दिमाग में। क्यों भाई, किससे बचने की कोशिश कर रहे हो और क्या सोच रहे हो, मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो या दोस्तों को या टीचर्स को? भाई तुम ना बहुत ज्यादा भोले हो, तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्यों अपने आप को यार 12 लाख वाली कार के फर्जी सपने दिखा रहे हो? कोई बंगला और आईपैड नहीं मिलने वाला तुम्हें ऐसे पढ़ने का ढोंगर जा करके। ये जो मोबाइल पे तुम डेली दिन में 100 बार फेसबुक और व्हाट्सएप चेक करते हो ना, उससे कई गुना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और जब तुम्हारा छोटा भाई या एक दिन तुम्हारा लड़का बड़ा होकर आईफोन या लैपटॉप या बाइक मांगेगा ना, तब तुम समझोगे कि बच्चे की एक जिद पूरी करने के लिए पेरेंट्स को अपने खुद के सपनों से कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और तुम्हारा पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुम सिर्फ पास होने के लिए या फिर कहीं पर सेलेक्ट होने के लिए पढ़ते हो। भाई तुम्हें तो टाइम ही नहीं है अपने आप से 2 मिनट ये पूछने का कि आखिर सब लोग तुम्हें पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं। तुम्हें पढ़ाई बहुत हार्ड लगती है क्योंकि तुम्हें फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इजी लगता है, सुबह देर तक सोना इजी लगता है, बिस्तर में लेटकर मोबाइल से पढ़ना इजी लगता है। मैडम अपने पापा को भी बोल दो कि बिस्तर में लेटकर ड्यूटी कर ले। अपनी मम्मी को भी बोल दो कि सुबह जल्दी उठकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए लेट करके खाना नहीं बना सकते, तुम्हारे लिए पैसे कमाने के लिए लेट कर नौकरी नहीं कर सकते, तो तुम क्या जादू मंत्र चला दोगे बिस्तर में लेटे लेटे? कल पढ़ूंगा, शाम से पढ़ूंगा, मंडे को टाइम टेबल से पढ़ूंगा, हाफ ईयरली एग्जाम के बाद पढ़ूंगा, ठंड कम होगी तब पढ़ूंगा, गर्मी कम होगी तब पढ़ूंगा, कल से जल्दी उठकर पढ़ूंगा, दोस्त के नोट्स मिलेंगे तब पढ़ूंगा, एग्जाम का ब्लू प्रिंट आएगा तब पढ़ूंगा, एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ूंगा, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ूंगा, पास होने से मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। ओ भाई, तेरा ना तो कल आएगा, ना तेरा टाइम टेबल 2 दिन से ज्यादा चल पाएगा, और ना ही किसी दोस्त के नोट से तू टॉपर बन पाएगा। हाँ सही सुना तूने, मैंने बोला टॉपर, एक बार और सुन ले, टॉपर। तू टॉपर बनने के लिए पैदा हुआ है, तू अपने पापा को नाइट ड्यूटी के चक्कर से आजाद करने के लिए पैदा हुआ है, खुद बिस्तर में लेटकर मोबाइल चलाने के लिए नहीं। और रुक एक बार, तूने कल क्या कहा था कि एग्जाम के 2 दिन पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना काफी होगा तेरे लिए? अपने पापा को भी बोल दे कि वो भी तुम्हारी फीस चुकाने की लास्ट डेट से 2 दिन पहले ही काम पर जाएं। जब वो पूरा महीना काम करते हैं तुम्हारी फीस चुकाने के लिए, तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अभी सो लेता हूँ और 2 दिन पहले सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर पास हो जाऊंगा। बहुत हो गया यार, प्लीज अब तो खुद को धोखा देना बंद कर दे, अब तो कोई वजह खोज ले कि तुझे पढ़ना क्यों है। ध्यान रख बेटा, दुनिया को तभी अंडर रख पाएगा जब खुद को अंडर रखेगा। इस दिमाग को बोल दे कि भाई धोखा देना बंद कर तू, और सुन ले अपने दिल की आवाज को कि तेरे लिए जिंदगी के क्या मायने हैं और उसके लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है। किसी ने तेरा दिल तोड़ा है, किसको तुझे कुछ बन के दिखाना है? बेटा भले ही नौकरी ना लगे और भले ही तुम नौकरी ना करना चाहो, लेकिन ये जो किताबों में जो नॉलेज भरा ना, जो अक्सर देख रहे हो तुम, ये तुम्हें जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर किसी प्रॉब्लम से जरूर निकालेगा।
इसलिए जितने भी बड़े लोग हुए ना, उन्होंने इस बात को पहचाना और पढ़ना कभी नहीं छोड़ा है। कल से तू सुबह जल्दी उठकर पढ़ेगा और रोज अपने पेरेंट्स, भाई बहन या रूममेट्स को सरप्राइज देगा। और ये काम तुझे अगले 30 दिन तक रोज करना है। फिर देखना, अगर 31वें दिन तू उठकर अपने आप नहीं पढ़ने लगेगा तो तू दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा।